ड्रग्स केस में फंसे बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस। जमानत पर 10 जनवरी को होगी सुनवाई। पंजाब के सिंथेटिक ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को आज भी हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मजीठिया की याचिका पर सुनवाई 10 जनवरी तक टाल दी। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने 8 जनवरी तक जवाब मांगा है। मजीठिया के वकील एडवोकेट डीएस सोपती ने कहा कि याचिका खारिज होती या फिर सरकार से जवाब मांगा जाता। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता के दावे में काफी अहम ग्राउंड है, जिसके बाद ही पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है। ये सुनवाई वर्चुअल हुई, जिसमें पंजाब सरकार की तरफ से पी चिदंबरम और मजीठिया की तरफ से मुकुल रोहतगी ने बहस की। अब पंजाब सरकार का जवाब आने के बाद 10 जनवरी को फिर बहस होगी।